अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो है ये आपको लेमन ग्रास की एक इंटरक्रॉप मैनेजमेंट का दिखा रहा हूँ। ये बाग में लगा हुआ है लेमन ग्रास, ठीक है, अमरूद का बाग है और उसमें ये जो है ना लगा हुआ है। तो इसकी हमने कोई अच्छी केयर भी नहीं की, लेकिन फिर भी आप इसका रिजल्ट देखें। इस वक्त इसकी अगर हाइट में अंदर जाके देखूँ तो 3.5 फीट तक है और इसकी नीचे से ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी है। ये हमने इस साल लगाया था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितना घना है और कितना इसमें टिलर है ना। ये इजिप्शियन वैरायटी है, तो इसकी कटिंग आप प्लान कर रहे हैं कोई 10-15 दिन में, लेकिन आज जो मकसद है वीडियो बनाने का वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है, सेल से हट के है। इस साल जो दोस्त लगाना चाह रहे हैं लेमन ग्रास, उनके लिए ख़ास तंबीह है या मेरी एक सजेशन है, बाकी हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, कि काइंडली इस साल आप लेमन ग्रास जो है ना फरवरी से पहले ना लगाएं, बारिशें हैं, जर्मिनेशन नहीं होगी वैसी, ठीक है, जो है ना वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो उसकी वजह से आपके प्लांट्स जो है ना वो खड़े रहेंगे। और दूसरी बात है कि जो है ना इसकी सेल के लिहाज से पहले इसको देखें, ठीक है, फिर आप लगाएं। लोग आपको सीड महंगा सस्ता बेच रहे हैं और आम वैरायटियां जो बिकती नहीं हैं बाद में, ठीक है, तो जिस बंदे से भी आप लगाएं, जिसके साथ भी आपको बात करें, पहले उससे जो है ना सेल को समझें, ठीक है। और दूसरी बात है इसकी पहले स्टडी करें सारी, कि ये किस तरह की जो है ना आपको क्रॉप रिजल्ट्स देती है आफ्टर हार्वेस्टिंग। और लोगों को इसकी प्रोसेसिंग के बारे में नहीं पता कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे है ना, तो इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखें। बाकी इसकी कोई भी अपडेट है, इसमें नंबर है, मैं नंबर अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वैसे मैं बोल भी देता हूँ, 0302-60-70-009। तो आप ये अच्छी तरह इसको पहले स्टडी करें, फिर जो है ना लोगों से सीड लें या जिस बंदे से भी। ये सारी क्रॉप जो है ना हमने लास्ट ईयर फरवरी में लगाई थी, फरवरी 2019 में, तो ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये अब क्योंकि स्मेल नहीं कर सकते तो इसकी फ्रेगनेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और हालांकि इसको कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं की गई। इसमें देख सकते हैं आप कहीं कहीं जड़ी बूटियाँ भी खड़ी हैं ना, तो ये कनाल से ज़्यादा जगह थी, तो इसको हमने जो है ना इंटरक्रॉप मैनेजमेंट की थी। तो सबसे आम जो बात मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा अपनी, वो यही है कि इस साल आप अगर लगाना चाहते हैं तो भाई फरवरी से पहले ना लगाएं, और हम आपको जो है ना बाईबैक पे भी सीड देंगे फरवरी में, कि आप हमसे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करें और हम आपको जो है ना बाईबैक, लेकिन बाईबैक पॉलिसी हमारी बहुत सिंपल है, उस पर हम आपसे काम करेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं आपको फोर्स करेंगे कि आप लगाएँ। आप मैक्सिमम जो है ना 1 एकड़ से ज़्यादा ये ना लगाएं, और हमारा सीड इस साल हम चीपेस्ट रेट पे देंगे, वो मैक्सिमम जो है ना वो 1 से 2 रुपए में होगा। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखें, और इसकी फार्मिंग अच्छी है, लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज है वो जो है ना ये फार्मिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ जो फ्रॉडी हैं या जिसमें पैसे कमाने के लिए लोगों को ट्रैप करते हैं, उनसे काइंडली ज़रा बचें आप। थैंक यू जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।